अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आयज़ा की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बेहतर होने लगी है। फीवर हो रहा है लेकिन एक टाइम या दो टाइम होता है बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सहरी में इनको फीवर हो जाता था मतलब 4 बजे, तो अभी तक तो नहीं हुआ है इनको फीवर। अल्लाह ना करे अब हो आगे, हम चाह रहे हैं कि अब बेहतरी की तरफ आ जाएँ, क्योंकि ईद आ रही है करीब, तो बहुत ज़्यादा ही कम दिन रह गए हैं। तो इसलिए आप लोगों ने दुआ करनी है बहुत सारी, और दुआ कर रहे होंगे। तो जो है अभी सो रही हैं फ़िलहाल, इंजेक्शन लगवाने वाले आएंगे अभी सहरी के बाद, तो फिर वो इंजेक्शन लगा के जाएंगे। 10 डोजें तो हो चुकी हैं, अभी हमारी 11 बाकी है ना, 11 डोजें बाकी हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा ही हैं ये अभी फ़िलहाल। तो सहरी भी यहाँ बन चुकी है, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया है। ये स्टू तो मैंने रात में बना के रख लिया था, ये ना रोटी लेकर आ गए थे कबाब खाना थे, लेकिन कबाब के साथ रोटी आई थी, तो इसलिए हमारी ये रोटी बच गई, तो मैंने पराठे नहीं बनाए। मैंने कहा चलो ये तंदूर की रोटी हम खा लेंगे साथ में, और साथ में चाय तो लाजमी हो गई सहरी में, क्योंकि फिर सर में दर्द होता है चाय ना पियो तो इसलिए करते हैं सहरी। और फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आयज़ा के ड्रिप लगवा के और फौरन सो जाएंगे, क्योंकि 27वीं जब थी तो रात में जाग रहे थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। आप लोगों ने दुआ करनी है लाजमी कि आयज़ा बस जल्दी से ठीक हो जाए। ना अभी सो रही हैं फ़िलहाल साहिबा, और इनके जो है ना कैनोला पहले इस हाथ पे लगा हुआ था, तो ये देखिए निशान पड़ी है इनके, दूसरे हाथ पे लगा, ये वाले हाथ पे चेंज करवाया, क्योंकि तीन दिन बाद चेंज करवाना होता है ना, इसलिए ना हमने दूसरे हाथ में लगवा दिया। अब ये 3 दिन लगेगा, तो इंशाल्लाह चांद रात तक ये निकल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलें करते हैं सैरी, और सैरी करके मैं आप लोगों से सुबह मिलूंगी उठकर। The next day. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह की उठी हुई हूँ, घर के काम ही कर रही थी, जल्दी से फ्रेश हुई हूँ, नमाज वगैरह पढ़ी है, कुरान पढ़ रही हूँ। एक कुरान तो ख़त्म हो चुका है और सेकंड कुरान शुरू कर दिया है, उसके भी 11 सिपारे हो गए हैं, तो मैंने कहा इसको भी जल्दी जल्दी से हम ख़त्म कर लेते हैं। पता नहीं ये ख़त्म हो पाएगा या नहीं, तो देखते हैं फिलहाल। और अभी आयज़ा साहिबा जो है वो कॉइन से खेल रही हैं यहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत ठीक हो रही है, बेहतरी की तरफ आ रही हैं, बस ऐसे ही जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर चांद रात पे हम आयजू को लगाएंगे मेहंदी, सही है? हाँ, इसकी जगह आपको यहाँ लगेगी मेहंदी, ठीक है? हाँ, सुई हटा के ना फिर मेहंदी लगा देंगे आपको, ठीक है? सही, मेहंदी लगाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे। हाँ, यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, सही है? दोनों हाथों पे लगाएंगे, नहीं चोट नहीं लगी, सही हो गई। तो चले जी, अभी मैं कुरान पढ़ लूँ, और इफ्तारी का सामान आधा तो रेडी है, आधा रेडी नहीं है, तो मैं उसको अभी कुरान पढ़ के रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है, और ये कब से मंगवाए हुए थे मैंने, बट मिल नहीं रहे थे, फाइनली आज मिल चुके हैं। ये पैसा ही पैसा हो गया, पैसा ही पैसा। ये लो, ईद पे मिलेगी आपको ईदी, ठीक है? अभी रख देते हैं इसको, चलो इनको दवा पिलाते हैं, इनको ड्रॉप लगाते हैं, ये वाले सही है मुन्ने, जल्दी से ठीक हो जाओगी। ये ड्रॉप लगाओ, वो विटामिंस वाले ड्रॉप भी ला के दे मुझे, वो रे माय फॉल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, इफ्तारी हमारी सारी रेडी हो चुकी है, और ये बाहर से लाई हूँ, ये बाहर से बाकी पकौड़े बना लिए हैं, और मीठे दही बड़े बाहर से लेकर आई हूँ। तो चलें रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोल के आप लोगों से मिलती हूँ। इसको चेक करो तोड़ के, इसके अंदर है क्या जो इतना महंगा दिया है, कौन सा सोना वोना दबा के रखा हुआ है। लो, ये तो हमारे इलाके में ही मिलता है, ये आलू वाला है ना, हाँ ये आलू वाला है। इसके मीठे दही बड़े तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके दही बड़े। ये देखो चेक करो इसकी शक्ल। अच्छा, इसके साथ पापड़ी भी दिए, ये डाल लिएगा आप, हैं? और मसाला भी दिया, मसाला भी डाल लिएगा, बस थोड़ा बहुत ही खाएंगे, फिर उसके बाद खाना बनाया है, खाना खाएंगे हम लोग फिर। तो चलें इफ्तारी कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आयशा की बर्थडे हो रही है भाई, यहाँ पे आयशा केक लाएंगी, है ना? वाह वाह भाई वाह, वेरी गुड।
चलो अब ये खाना भी है आपने। ये कर क्या रही हो? ये हलवा बना रही हो क्या? इसका इतनी शौक शौक में लेकर आई थी कि मैं केक खाऊंगी और घर आके फैल गई, कह रही केक नहीं खाना मुझे। केक अच्छा, चलो हटो, सब गंदा कर दिया आपने, खराब कर दिया केक। बेटे बेटे आप खराब कर रही है ना सारा केक, ऐसे थोड़ी खाएंगे। सोच रही हूँ अभी जो है वो आयजा का कमरा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये चटाई मुझे उठानी होगी। सिर्फ मैंने सहरी के लिए बिछाई थी, तो सहरी तो ज़्यादातर बेड पर ही हुई है, यहाँ हुई नहीं। जब ये धुलकर आया था ना, इतनी इसमें स्मेल आ रही थी केमिकल्स वगैरह की, तो इसलिए मुझे मजबूरन जय डॉट का परफ्यूम लगाना पड़ा है इसके अंदर, ताकि इसमें बदबू ना आए और जब हम इसको खोलें तो इसमें खुशबू आए। बहुत सारा मैंने इसमें परफ्यूम लगाया है और इसको पैक कर दिया है। अब इसको रखते हैं सूटकेस के इसके अंदर, बक्से के अंदर, और फिर चटाई वगैरह समेटते हैं सब चीज़ें हटाकर। आज जो है वो आयजा का कमरा समेट लेती हूँ, फिर कल जो है वो अपना बेडरूम और ड्राइंग रूम समेट लूँगी मैं। कल अम्मी आई थी, इतने सारे फ्रूट्स लेकर आ गई, केले वगैरह और ये खरबूजे इतने सारे ले आई, हमसे तो खाए भी नहीं जा रहे अब ये, तो जल्दी जल्दी से इसकी फ्रूट चाट बनानी पड़ेगी वरना ये ख़राब हो जाएंगे। आंटी से मैंने बटरफ्लाई तो सारी उतरवा ली थी, लेकिन इसको कलर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अब मैं हस्बैंड को काम पे लगा दिया मैंने कि आप इसको कलर करें, मतलब गोल्डन स्प्रे कर दें इस पर। ये वाला स्प्रे लेकर आई थी मैं गोल्डन, तो ये वाला, ये गोल्ड, तो ना ये कर देंगे ना इसके ऊपर, फिर ये ड्राई हो जाएंगी कल तक, तो मैं इसको लगा दूँगी, वरना ये पड़ी हुई हैं ऐसी, और वो दीवार भी ना खाली खाली अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि अब लग गई थी ना पहले, तो इसलिए अब बटरफ्लाई लगानी पड़ेंगी वहाँ पर। तो सारी बिछा लें पहले आप, फिर उसके बाद ना इस पर एक साथ स्प्रे कर दें। ये इस तरीके का, इस तरीके की लगेगी बटरफ्लाई। तो मैंने कहा चलो ब्लैक ब्लैक से जो है वो मेरा दिल भर गया है, तो अब हम इसको करते हैं गोल्डन। तो हमारे बेडरूम का जो वॉलपेपर है ना, उसके हिसाब से ये मैच हो रही है गोल्डन। हो सकता है कि मैं यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन भी कर दूँ, लेकिन उसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इतना टाइम फिलहाल है नहीं मेरे पास, तो देखूंगी अगर टाइम हुआ तो कर दूंगी, वरना ऐसे ही लगा दूंगी इसको स्प्रे करके फौरन से। कलर जो है वो आता रहे। चलें सारी कलर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। है इतनी बुरी स्मेल आ रही दिमाग में चढ़ ली है। फाइनली सारी बटरफ्लाई हो चुकी हैं कलर यहाँ पर, जल्दी जल्दी से ये ड्राई भी हो चुकी हैं, सूख गई हैं ये फौरन से, तो अब हम इसको सोच रही हूँ अभी ही लगा दूँ मैं है लगा दे अभी नहीं लगा देते इसको, ये वाली भी ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम डबल साइडेड टेप लगा के लगा देंगे ये। बटरफ्लाई मैंने सारी यहाँ पर लगा दी हैं, और ये देखिए हमारे वॉलपेपर से जो है ये मैच हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो लाइटें भी जल रही हैं ना, तो ये शाइनिंग कर रही हैं, अच्छी लग रही है। ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कलर। तो चले जी, इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।